आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो कि एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी जो एग्जाम होते हैं एसएससी का और भी अदर कंपटीशन जो होते हैं उसमें भी यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन यह रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और यह टॉपिक जो है यह है स्टैटिक जीके का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें करवाएंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे वाले एग्जाम जो होने वाले हैं उसमें भी पूछे जा सकते हैं, मतलब ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोगों के साथ क्वेश्चन करवाते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे वो क्वेश्चन है, अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं? तो ऑप्शन है ए में कॉकेशियाई, निग्रो कल्प, ऑस्ट्रेलॉयड, मंगोल कल्प। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका कोकेसीआई हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं कि आरआरबी में पूछा गया है कि अधिकांश भारतीय जो किस समूह से संबंध रखते हैं, कोकेसीआई से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन इसमें है, लेप्चा किस राज्य के आरंभिक निवासी थे? तो ऑप्शन ए दिया हुआ अरुणाचल प्रदेश, बी दिया हुआ त्रिपुरा, सी दिया हुआ जम्मू कश्मीर और डी दिया हुआ सिक्किम। तो लेप्चा जो थे आरंभिक निवासी थे सिक्किम के, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में आपातानी आदिवासी जाति के लोग रहते हैं? तो ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है उड़ीसा, सी है झारखंड, डी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन हो जाएगा डी अरुणाचल प्रदेश, जो कि आपातानी आदिवासी जाति के लोग अरुणाचल प्रदेश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख सकते हैं किसमें क्वेश्चन है कि खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से रहती है कहां? ऑप्शन नंबर ए है केरल, बी है मेघालय, सी है छोटा नागपुर, डी है तमिलनाडु। तो ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय, जो कि खासी और गारो जनजातियां मुख्य रूप से मेघालय में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंडा जनजाति भारतवर्ष में कहां पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, बी है नागालैंड, सी है अरुणाचल प्रदेश, डी है झारखंड, जो कि इसका झारखंड सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल, भील, गोंड आदि जनजातियां किस राज्य में निवास करती है? ऑप्शन ए है उड़ीसा, बी है असम, सी है मध्य प्रदेश, डी है राजस्थान। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, जो कि मध्य प्रदेश में सारी जनजातियां ये सभी रहती है। और ये देख सकते हैं कि ये सारा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया, रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जो अभी भी रेलवे का जो एग्जाम होने वाला है, जो हो रहा है, उसमें भी ये सारे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन रहता है वो सारा रिपीटेड ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां संख्या में रहती है? ऑप्शन ए है गुजरात, बी है मणिपुर, सी है बिहार और डी है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियां संख्या में रहती है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बहुसंख्यक जनजाति पाई जाती है कहां? ए में टोडा, बी में गोंड, सी है सीएचएस, डी है गारो। कहां कौन पाई जाती है? गोंड जनजाति जो है बहुसंख्यक में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, तो भारत में सबसे बड़ी जनजाति है टोडा, गोंड, चेचस, डी गारो, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर होगा, जो कि गोंड है। अगला क्वेश्चन है, जनजाति को इंगित करने के लिए पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए में है महात्मा गांधी, बी में है बी आर अम्बेडकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू, डी है ठक्कर बाबा। तो ठक्कर बाबा के द्वारा पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ओंग जनजाति किस राज्य से संबंधित है? ए में है मिजोरम, बी में है अरुणाचल प्रदेश, सी में है मध्य प्रदेश और डी में है उड़ीसा। तो ये लोग इसका आंसर नहीं दिया गया है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन है, यह माना जाता है कि भारत में सबसे पहले निग्रो आए वर्तमान में मुख्यतः कहां पाए जाते हैं? ए में है पंजाब, बी में है राजस्थान, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर इसका डी दिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि है, असम की डैश जाति बसंत ऋतु में वैभव की देवी बैखो को प्रसन्न करने के लिए बैखो त्योहार मनाती है। ऑप्शन है दिमासा, बी है बोरो, सी है राभा और डी है चुटिया। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसका सी राभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी लोग हैं? ऑप्शन ए में है अंडमान, बी में है निकोबार, सी में है लक्षद्वीप, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जो कि निकोबार होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, है निम्नलिखित में से कौन से जनजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आबादी है? ऑप्शन ए है जरवा, सोमपेन, ओंजिस,
सेंटलीज। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर सही, जो कि जरबा। तो जरबा जनजाति की अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक आबादी है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। तो सर्वाधिक जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है, बिहार में, मणिपुर में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी तथा जयंतिया जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए है मणिपुर, बी है नागालैंड, सी है मेघालय, डी है मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, जो कि मेघालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपचरकूट, मिमकूट तथा पोलकूट निम्नलिखित के प्रमुख त्यौहार हैं, नागालैंड के, मिजोरम के, मणिपुर के, मेघालय के। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मिजोरम का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, बडक जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। और ये देख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2001 में भी पूछा गया, 2002 में पूछा गया, 2012 में पूछा गया, और सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ आंध्र प्रदेश का तेलंगाना जिला, बीम दिया हुआ असम की उत्तरी कछार पहाड़ियां, सीम दिया हुआ तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां, डीम दिया हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि 20 नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और जितना भी देख रहे होंगे क्वेश्चन ये है, सारा इंपॉर्टेंट है, सारा एग्जाम में पूछा गया है। तो इसी तरह का वीडियो यदि आप लोग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए और वीडियो को लाइक कर दे। तो लास्ट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, देख सकते हैं क्वेश्चन है, सूची एक को सूची बी के साथ मिलाना है। तो सूची एक में है लेपचा, बी में है एम मारिया, उराली, खांसी, उत्तरांचल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, केरल। तो लेपचा जो है कहाँ का है, देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका सही जो है सी है, मतलब ये टू का जो है क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर इसको मिलाना है। तो मिलाने के बाद देख सकते हैं क्या है, लेपचा है। तो लेपचा का ए का जो यहाँ मिल रहा है, लेपचा ए, तो ये सही हो जाएगा इसका, इसका टू होगा। लेपचा का सिक्किम होगा, मारिया का किसके साथ, लेपचा का सिक्किम होगा। इसको दो के साथ मिलान कर देते हैं, फिर दो का मारिया, मारिया का देख सकते हैं तीन के साथ इसका मिलान होगा, छत्तीसगढ़ के साथ। और उराली का जो है चार के साथ मिलान होगा, केरल के साथ। और खांसी का जो है उत्तरांचल के साथ मिलान होगा। ये इसका सारा आंसर सही होगा। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।